नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में खुला राज्य का पहला सब रीजनल साइंस सेंटर। सरकारी स्कूलों में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी कराई जाएगी तैयारी। अब बिल का सत्यापन करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव। बिहार में प्रत्येक जिले में गठित जिला जवाबदेही प्राधिकरण की लोकसभा में हुई चर्चा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 93 पदों पर निकली भर्ती। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार सीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट cotcorp.org.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 93 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगे। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को पदों के अनुसार एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में MBA, BSSC, एग्रीकल्चर CA, CMA होना अनिवार्य है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में बिहार के विभिन्न आयोग बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति भी दी गई। साथ ही साथ सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पर डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की बात कही गई है। साथ ही बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ रुपए की अग्रिम निकासी की बात कही गई है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को, जो कि नाश्ते में मुर्गी के अंडे का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगी। बिहार सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अलावा विभिन्न कोटि के कुल 5 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में खुला राज्य का पहला सब रीजनल साइंस सेंटर। बीते दिन बिहार को उसका पहला सब रीजनल साइंस सेंटर मिल चुका है। बता दें कि सब रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण गया के बोधगया के 5 एकड़ भूमि पर 5.99 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 50% राशि बिहार सरकार की है तो वहीं 50% राशि केंद्र सरकार की ओर से खर्च की गई है। मालूम हो कि यहां पर स्कूली छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ाने तथा नवीन विचारों को पैदा करने, वैज्ञानिक साक्षरता, जागरूकता एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने जैसे कामों को किया जाएगा। 20 से 25 आगंतुकों की क्षमता वाला एक इंटरैक्टिव इन्फ्लेटेबल तारामंडल की सुविधा है, जहां पारंपरिक तारामंडल के विपरीत या रात के अवकाश के सिमुलेशन के साथ एक इंटरैक्टिव लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। बिहारी बोतले में आज हम बात करेंगे मालती चौधरी के बारे में। मालती चौधरी का जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। यह एक भारतीय नागरिक, अधिकार और स्वतंत्रता कार्यकर्ता और गांधीवादी थी। स्वतंत्रता के बाद मालती चौधरी ने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में और उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्रामीण पुनर्निर्माण में शिक्षा, विशेष रूप से व्यस्क शिक्षा की भूमिका पर जोर देने की पूरी कोशिश की। 1951 में जब नवकृष्ण चौधरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वंचितों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान, टैगोर साक्षरता पुरस्कार, संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सम्मान, राज्य महिला आयोग द्वारा सम्मान, विश्व भारती से देशी कोतम्मा और 1988 में उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों से प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार राजीव गांधी ने गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया था। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने मजदूरों को सुनाया गाना। बिहार के स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली वह पद्मश्री शारदा सिन्हा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समस्तीपुर पहुंची थी, जहां से वह पटना लौटने के क्रम में सराय रंजन प्रखंड के गंगसारा गांव स्थित केले के बागान में पहुंची, जहां उन्होंने केले की उत्कृष्ट खेती देखी और साथ ही उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के आग्रह पर एक गाना भी गाकर सुनाया। बता दें कि दौरान शारदा सिन्हा के साथ उनके पुत्र अंशुमान और भाजपा नेता रंजीत निरगुनी भी मौजूद
मौजूद थे। अंशुमान ने गाना गाते हुए शारदा सिन्हा का रील भी बनाया। वहीं शारदा सिन्हा के द्वारा स्कूल से लौट रही बच्चियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार शारदा सिन्हा केले के बागान में करीब आधे घंटे तक रही। बोर्ड से निबंधित निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए साइकिल अनुदान योजना के तहत अनुदान उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके तहत इन श्रमिकों को अधिकतम अनुदान 3,500 रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक श्रमिक को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधन होना अनिवार्य है। ऐसे में निबंधन हेतु निर्माण श्रमिक https://bocw.bihar.gov.in/website/labor-reg.asps पर विजिट करें। वहीं अगर आप निबंधित श्रमिक हैं तो https://bocw.bihar.gov.in/website/scheme-apply.asps पर विजिट करें। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0612252558 पर संपर्क किया जा सकता है। ठनका से पशुओं के बचाव हेतु अपनाएं ये तरीका। आईपीआरडी बिहार द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से ठनका यानी कि वज्रपात से पशुओं के बचाव हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत बताया गया है कि ठनका के दौरान पशुओं को पशु शेड में रखना चाहिए। ऊर्जा चलित यंत्रों या धातु से बने कृषि यंत्र डंडा आदि से पशु को दूर रखें। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पीड़ित पशु की चिकित्सा हेतु तत्काल नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। स्थानीय रेडियो एवं अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करें। वहीं इस दौरान जिन कामों को नहीं करना चाहिए उनमें पशुओं को किसी एकल वृक्ष के नीचे न बांधे। ऊंचे स्थानों खासकर पहाड़ों पर पशु के खाने एवं पानी के लिए धातु निर्मित नाद का इस्तेमाल न करें। तालाब और जलाशय के समीप पशुओं को न ले जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से पशुओं को बचाएं और साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे पशुओं को न बांधें। राजगीर में ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड को जोड़ने के लिए बनेगा एलिवेटेड ब्रिज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर के ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई है, जिससे कि सनातन धर्मावलंबियों में काफी खुशी का माहौल है। इसको लेकर यहां के नागरिकों का कहना है कि अगर इस फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाता है तो तीर्थ यात्रियों को 22 कुंड और 52 धाराओं में स्नान का पुण्य लाभ आसानी से मिल सकेगा। ऐसे में दोनों कुंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण एकमात्र निदान है। वहीं राजगीर नगर परिषद के वार्ड पार्षद महेंद्र यादव के द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा राजगीर के दोनों कुंडों को जोड़ने के लिए एलिवेटेड ब्रिज बनाने की घोषणा की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। फ्लाईओवर के निर्माण होने से एक तरफ जहां राजगीर का धार्मिक प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ यात्रियों को सभी कुंडों में स्नान दान की सुविधा भी बढ़ेगी। पटना हावड़ा के बीच भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दरअसल इसके परिचालन को लेकर सर्वे का रेल मंत्रालय को फाइनल रिपोर्ट भेज दी गई है। बता दें कि पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के एक और रैक पूर्व मध्य रेल को अगस्त में मिलेगी। इस बारे में रेलवे के एक वरीय अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार करीब करीब यह फाइनल हो चुका है कि अगस्त में यह रैक पूर्व मध्य रेल को मिल जाएगी। फिलहाल इसकी टाइमिंग पर विचार चल रहा है। मालूम हो कि इसके अलावा वाराणसी से हावड़ा के बीच भी अगस्त से वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जा रही है, जो कि गया से होकर गुजरेगी। सरकारी स्कूलों में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी कराई जाएगी तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बहुत जल्द ही राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। मालूम हो कि इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई योजनाएं बनाए गए हैं और साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत स्कूलों में नए सिरे से कंप्यूटर, लैपटॉप, बेंच, डेस्क और मध्याह्न भोजन के लिए जरूरी बर्तन उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं छात्रों को कंप्यूटर से ई लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि ई लाइब्रेरी की सुविधा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। कंप्यूटर के साथ ही अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषयों को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञ की अलग से सेवा लेगी। इसके लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है। ये प्रोफेशनल क्लास में पढ़ाने के साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी अलग से कराएगी। बिहार के अनिल अग्रवाल ने सक्सेसफुल होने के दिए यह टिप्स।
बिहार की राजधानी पटना में जन्मे अनिल अग्रवाल के द्वारा सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि सक्सेस के लिए कोई टाइमलाइन की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की तरफ से आज के यूथ पर काफी प्रेशर रहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने करियर में शुरुआती झंडे गाड़ दें। मेरी कई ऐसे युवाओं से बात हुई है जिन्हें बस इस बात का डर सताता है कि कहीं सफलता की ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी। क्या वो 30 साल के होने से पहले खुद को सफल प्रूफ कर सकेंगे, क्योंकि मैंने जीवन में कई असफलताएं देखी है। उन्होंने कहा कि मैंने एक नहीं ही दो नहीं बल्कि 9 बार मैं इसे समझ सकता हूँ। मैंने निराशा कितनी ही बार झेली, अपने उन विचारों को रिजेक्ट होते देखा जो मेरी नजर में बेस्ट थॉट थे। बंद होने की कगार पर खड़ी फैक्ट्रियों में रात रात भर जागने से लेकर अगले दिन कुछ बचेगा भी या नहीं ही इतना सोच लेने तक मैंने अपने 20 और 30 वाली उम्र में बहुत संघर्ष किया। फिर आया 40 का दशक, अब मेरे पास एक्सपीरियंस भरपूर था और सिर पे बाल कम ही बचे थे। उस समय जब सभी ने सोचा होगा कि मैं हार मान चुका हूँ, 40 की उम्र में मैंने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। जिन विचारों को कभी डिसमिस किया गया था उन्हें विचारों की अब तारीफ होने लगी। सार यही है कि खुद की सोच पर भरोसा रखे, तब भी जब दूसरे उस सोच पर हंस रहे हो। हार की जीत की तरफ ले जाने वाली सीढ़ी माने खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना, धीमे ही सही लगातार चलते रहने पर आप रेस जीत सकते हैं। यदि आप 30 साल के होने से पहले ट्राई कर रहे हैं तो बस याद रखें, पिक्चर अभी बहुत बाकी है दोस्तों। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुनावा जैन मंदिर के बारे में। गुनावा जैन मंदिर बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जो कि जैन समुदाय के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। इस मंदिर के परिसर में 40 मंदिर है जो कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहां भगवान महावीर के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम गंधर ने केवला ज्ञान प्राप्त किया था, जिसका मतलब जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा और सच्ची आध्यात्मिकता और सर्वज्ञता प्राप्त करने के मार्ग को दर्शाता है। गुनावा जैन मंदिर जैन मुनि गंधर्व स्वामी को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर भगवान महावीर के समय का है, जो इसके धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। यह मंदिर एक झील के केंद्र में स्थापित है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। अब बिल का सत्यापन करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव। स्कूल में प्रत्येक दिन मध्याह्न भोजन के तहत किए जाने वाले खर्चों के बिल का सत्यापन अब विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के द्वारा किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो वे संबंधित प्राचार्य से पूछताछ भी कर सकते हैं। बता दें कि इस संबंध में मध्याह्न भोजन निदेशालय के द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर सूचना दे दी गई है। मालूम हो कि पहले बिलों का सत्यापन का कार्य प्रखंड साधन सेवी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए यह जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति को सौंप दी गई है। बता दें कि इसके अलावा अब मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पेमेंट की प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब स्कूलों को PFFS यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पेमेंट दी जाती है। रिवर क्रूज से घूमिए पटना और भागलपुर के गंगा घाट। बिहार में गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की उपस्थिति में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक KL रजक के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत रो पैक्स वेसल नाम के दो जलयान को पटना और भागलपुर में चलाया जाएगा। बता दें कि इन दोनों जलयान की क्षमता 300-300 पर्यटकों की होगी। मालूम हो कि इस जलयान को शादी पार्टी के लिए भी बुक किया जा सकता है। बता दें कि पहला जलयान पटना में जनार्दन घाट दिघा पटना से कंगन घाट पटना सिटी के बीच, तो वहीं दूसरा जलयान भागलपुर के कहलगांव सुल्तानगंज बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला के डॉल्फिन सेंचुरी के बीच संचालित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जलयान के पार्किंग के लिए 45,000 वर्ग फीट भूखंड उपलब्ध कराया गया है। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के पिता तेजनाथ झा का पटना में निधन। बिहार के लाल और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्देशकों में से एक प्रकाश झा के पिता तेजनाथ झा का सोमवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ने से 95 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि तेजनाथ झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, इसलिए उनका इलाज पटना के एक बड़े अस्पताल में करवाया जा रहा था। हालांकि सोमवार शाम को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर वापस भेज दिया गया, लेकिन सोमवार की रात ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे में अब उनके परिवार में शोक की लहर है। वहीं पिता के निधन की खबर सुनते ही प्रकाश झा अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे। बता दें कि उनके पिता का दाह संस्कार पटना के बांसघाट पर किया जाएगा।
बिहार में बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बिहार से मॉनसून ऐसा लग रहा जैसे रूठ सा गया हो। इधर राजधानी पटना के साथ ही आसपास के जिलों में गर्मी और उमस से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 28 जुलाई को प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। विभाग की माने तो शुक्रवार के बाद से प्रदेश में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने 26 और 27 जुलाई को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की, लेकिन 28 और 29 जुलाई को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के उत्तरी जिलों के साथ ही रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और भोजपुर जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। गया में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 आयोजित कर रहा है, जो की 28 जुलाई और 29 जुलाई को प्रमंडलीय स्तर पर गया के केंदुई के DRCC परिसर में आयोजित हो रही है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी जो इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, वह NCS पोर्टल http://ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन कर सकते हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों को आयोजन स्थल पर भी निबंधन करने की व्यवस्था मिलेगी। वहीं विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय या मोबाइल नंबर 6205191655 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में प्रत्येक जिले में गठित जिला जवाबदेही प्राधिकरण की लोकसभा में हुई चर्चा। बीते दिन संसद के मॉनसून सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा सभी को जानकारी देते हुए यह बताया गया कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिले के लिए जिला जवाबदेही प्राधिकरण का गठन किया गया है। दरअसल मॉनसून सत्र के दौरान गृह विभाग से यह सवाल किया गया था कि देश के किन किन राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हुआ है, जिसके जवाब में नित्यानंद राय के द्वारा कहा गया कि जिन राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, HP, झारखंड, कर्नाटक, केरल, MP, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, TN, त्रिपुरा, UP, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल है। वहीं बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिले के लिए जिला जवाबदेही प्राधिकरण का गठन किया गया है। व्यावसायिक कोर्सों में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर RK सिंह के निर्देश पर आज यानी कि 26 जुलाई से स्नातक व्यावसायिक कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो रही है। बता दें कि इससे पहले रेगुलर्स कोर्स में नामांकन के कार्य हो चुके हैं। वहीं आज से अभ्यर्थी व्यावसायिक कोर्स जिसमें BCA, BBM, BSc, IT, BSc, बायोटेक्नोलॉजी, BLIS, BTTM, BSc, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ASPM जैसे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त MBA में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय में 26 से 28 तक GD आयोजित की जाएगी। विपक्ष के नए गठबंधन के नाम पर कुशवाहा का बयान। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा विपक्षी दलों के नाम पर कटाक्ष करते हुए अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम UPA से इंडिया रख लिया है, लेकिन नाम रखने से क्या होता है, वह कितना भी उचित या अनुचित है, यह विमर्श का विषय है, लेकिन इसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है और न ही इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि JDU आज समाप्त हो चुकी है, इसमें गिरवी रख दिया गया है। नीतीश कुमार RJD के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आज की तारीख में उनका कोई आधार नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। भाजपा और पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव का हमला। बीते दिन मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि एकता में बड़ी ताकत है, यही भाजपा की आफत है। इंडिया से अच्छे अच्छों की डर लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कई दल एक साथ आए और सबने मिलकर गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एकजुट होने पर भाजपा डर गई है। उन्हें पता है कि उन पर आफत आना तय है। यही कारण है कि इंडिया से डरी हुई भाजपा अनर्गल बातें बोल रही है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव के द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहे गए बातों के बार में कही गई है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष बिल्कुल दिशाहीन है। इतिहास में ऐसा विपक्ष नहीं देखा। सिर्फ इंडिया नाम रखना सब कुछ नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष हताश और बिखरा हुआ दिख रहा है।
टेस्ट के बाद वनडे में होगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच जंग। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज 1-0 से मात दे दी है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा। अब टेस्ट की जंग के बाद भारत और वेस्टइंडीज का सामना लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में होगा। इस लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मैचों की शुरुआत 27 जुलाई से होने वाली है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों का मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारबाडोस में होगा। वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा मुकाबला 29 जुलाई को बारबाडोस के मैदान पर ही होगा। वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 अगस्त को त्रिनिदाद में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज की शुरुआत भारतीय समयानुसार 7 बजे शाम से होगी। वहीं इस सीरीज में टॉस का टाइम शाम 6:30 का होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। जहांगीर ने 1614 में मेवाड़ के राणा का स्वागत किया। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप 2002 में प्रारंभ हुई। ईरान के विदेश मंत्री कमल करजई ने 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता की। भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म 1844 को हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2008 को 21 धमाके हुए। इस हादसे में 56 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। भारत के प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक विद्यापति कोकिल का जन्म 1914 को हुआ था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का जन्म 1874 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव सरन अग्रवाल का निधन 26 जुलाई 1966 को हुआ था। आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का आधिकारिक अकाउंट होने का दावा करता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह अकाउंट फेक है। यदि आप किसी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं जो आधिकारिक सरकारी होने का दिखावा करता है तो उस खाता को 9187997112159 या socialmedia@pib.gov.in पर भेजें। फोन पे पर आया इनकम टैक्स पे फीचर। फोन पे ने भारतीय टैक्स पेयर्स को काम आसान बनाते हुए एक नया फीचर इनकम टैक्स पेमेंट शामिल किया है। इसकी मदद से टैक्स पेयर्स अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। इसके लिए यूजर्स क्रेडिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे का फीचर दोनों प्रकार के टैक्स पेयर यानी इंडिविजुअल और बिजनेस को एडवांस टैक्स पे करने की सुविधा देगा। इसके लिए टैक्स पेयर को अलग से टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी। इस फीचर को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को सिमिलर एक्सपीरियंस देना है। यह जानकारी फोन पे ने दी है। फोन पे ने इस फीचर के लिए पेमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। पेमेंट एक डिजिटल B2B पेमेंट और सर्विस प्रोवाइडर है। फोन पे का नया फीचर सिर्फ टैक्स पे करने की सुविधा देता है। इससे ITR फाइल नहीं की जा सकती। ITR फाइलिंग के लिए टैक्स पेयर्स को दूसरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सोमालिया देश में किसे भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नामग्या खम्पा, ऑप्शन बी संदीप चक्रवर्ती, ऑप्शन सी गोपाल बागले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नामग्या खम्पा। अगला सवाल, इंडोनेशिया में किसे भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संदीप चक्रवर्ती, ऑप्शन बी नामग्या खम्पा, ऑप्शन सी गोपाल बागले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संदीप चक्रवर्ती। अगला सवाल, भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ मौर्य, ऑप्शन डी अशोक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहद्रथ मौर्य। अगला सवाल, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तक्षशिला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, मंटू कुमार, अमरजीत कुमार, उपेंद्र आम्बेडकर, सदुल्ला पलवी, विद्यासागर, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, नरेश ओरम, विराट, शिव शंकर कुमार यादव, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, खुशबू कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में लगने वाले रोजगार मेले से युवाओं को कितना लाभ मिलता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।